हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी थोड़ी सी हटके होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे ब्यूटी लड्डू। जी हाँ, ये सच में ब्यूटी लड्डू ही है। इसे खाने से ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल कम होगी और स्किन ग्लो होगी। आपका वेट भी ये लॉस करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ अगर आप इसे खाओगे रोज़ तो आपका जो बोन होगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल भी ये हटाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। ये है फ्लैक्सीड यानी अलसी के लड्डू, जो हिंदुस्तान में बहुत सालों से ही खाई जाती है। बस इसका नाम थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, ब्यूटी लड्डू। सुनते ही ना खाने का मन करता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और बनाना ना बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी हो जाएगी। बस दो इंग्रेडिएंट्स इसमें मेन है, उसी से काम चल जाता है, लेकिन मैंने दो ऐड करे हैं, तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। 400 ml मैंने लिया है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। तो मैंने इसे ना थोड़ा थोड़ा करके ड्राई रोस्ट करा है। बस 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे लो फ्लेम पे रोस्ट होने में। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए, जब ये इजीली टूटेगा और थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तभी पता चलेगा कि बनके रेडी है। इकट्ठा नहीं डालेंगे, अदरवाइज अच्छे से ये रोस्ट नहीं होंगे। वैसे तो फ्लैक्स सीड प्रोटीन और ओमेगा 3 में भरपूर होता है, इसके बहुत सारे गुण हैं। लेकिन इसे नॉर्मल अगर आप कच्चा खाओगे या फिर एज इट इज़ ऐसे ही रोस्ट करके खाओगे तो इसका सारा प्रोटीन हमारा बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाता है और ये एज इट इज़ निकल जाता है बॉडी से। तो इसे अच्छे से कंज्यूम करने के लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसे पहले रोस्ट करें, फिर इसका पाउडर बना लें। और ये पाउडर आप ऐसे लड्डू में डालें या फिर सूप्स में डालें, आप अपने अकॉर्डिंग कंज्यूम कर सकती हो। एक्स्ट्रा मैंने इसमें डाला है 1/2 बोल मूंगफली और 1/2 बोल मैंने डाला है आमंड। तो इसे भी हम रोस्ट करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। ये भी कलर चेंज कर देगा और ये ना फटने लगेगा, तभी पता चलेगा कि ये रोस्ट हो गया है। बाय द वे, ये दोनों चीज़ें ना ऑप्शनल है। इसके साथ आप डाल सकते हो काजू, सेसमी सीड या फिर पॉपी सीड या फिर खजूर, ये टोटली आपके ऊपर है। इन सब चीज़ों से टेस्ट इन्हेंस होगा और इसमें प्रोटीन भी बढ़ेगा। अदरवाइज ये लड्डू फ्लैक्स सीड और गुड़ में बन जाता है। कभी कभार ये लड्डू फ्लैक्स सीड और खजूर में भी बनता है, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो। फ्लैक्स सीड और नट्स को हमें ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा अगर दरदरा रहा तो ठीक है, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़, इसे मैंने कट करके लिया है ताकि ईजिली ये मेल्ट हो जाए। और एक चीज़, गुड़ जितना डार्क कलर का होगा उतना ही वो नेचुरल होगा और उसमें मिलावट उतना कम होगा। पैन में डालेंगे सारा का सारा गुड़, ये सूखा पैन है, और इसके साथ ही डालेंगे हम 1/3 बोल पानी। पानी मैं इसीलिए डाल रही हूँ ताकि गुड़ नीचे से ना जले, इसे हम चलाते रहेंगे। चलाते रहना है ताकि ये गुड़ जो है नीचे से ना जल जाए, और इसे बीच बीच में हमें चेक करना है। हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए, जब तक नहीं बन जाती है तब तक इसे हमें चलाते रहना है और ऐसे चेक करते जाएंगे। देखिए अब बन रहा है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे डायरेक्ट हम डाल देंगे जो हमने पाउडर रेडी करा था उसमें। लेकिन हम तुरंत हाथ नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हमारा हाथ जल सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म है। एक स्पून की मदद से पहले हम मिक्स करेंगे, 1 मिनट के अंदर ही फिर से हम हाथ लगाएंगे और हाथों से अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर इसे हम लड्डू का शेप डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म होगा लेकिन ठंडे होने का वेट करेंगे तो लड्डू नहीं बन पाएगा। घर वालों से आप हेल्प ले सकते हो। लड्डू बनाते बनाते अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं बन रहा है, हार्ड हो गया है, तब आप इसे फिर से गैस पे चढ़ा दे कोई पैन में। 1 मिनट में गुड़ मेल्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू इजीली बन जाएगा। इस लड्डू को आपको दिन में 1 से 2 ही खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सर्दियों में बेस्ट रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये लड्डू, तो गर्मियों में आप मत खाएं इसे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।